हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में और रिक्विटमेंट आ रही है दोस्तों नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी की तरफ से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की तरफ से आप सभी भारतीय इंडिया की हर जगह से इसमें आवेदन कर सकते हैं कोई भी लैंग्वेज का क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पर दोस्तों अच्छी बात यह है कि फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं बिना फीस के आवेदन करना है और यहाँ पर किसी भी तरह का आपका एग्जाम या इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा अप्रेंटिसशिप की दोस्तों ये रिक्रूटमेंट है आपने कोई भी क्वालिफिकेशन करी हुई है आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं अभी अप्रेंटिसशिप के बारे में जो है वो काफी लोग सुन के जो है उनको लगता है कि नहीं ये परमानेंट जॉब नहीं है तो नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अप्रेंटिसशिप के अपने फायदे होते हैं और आने वाले दिनों में अप्रेंटिसशिप जिन्होंने की हुई है उनको क्या फायदा मिल जाए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता अगर रिसेंटली हम मैं आपको एक एक्जाम्पल दूँ तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कराया गया जिसमें तीन से ज्यादा की वैकेंसीज हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है वो वन थाउजेंड रुपीज रखी गई है लेकिन जिन लोगों ने जो है वो पहले से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो है वो अप्रेंटिसशिप कर रखी है उनको किसी भी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं है वो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं तो ये मैंने एक फ़ायदा आपको गिनाया है अप्रेंटिसशिप का हो सकता आने वाले टाइम में अगर आपकी अप्रेंटिसशिप जो है वो डी जैसी जो है वो संस्था से आपने करी हुई है तो इसमें आपको आगे जाके बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं और आप इसको जो है वो एज एक्सपीरियंस भी जो है वो काउंट करवा सकते हैं तो फ्री में बैठे हैं घर पे आपका जो कि आपके पास जॉब नहीं है या आप तलाश में हैं आप जो है वो टू 19, 20 बैच वाले हैं 2017 बैच वाले हैं तो ज़रूर इसमें अप्लाई करिएगा अगर सिलेक्शन होती है तो 9000 थाउजेंड पर मंथ आपको स्टाइटमेंट जो है वो मिल जाएगा बी केमिस्ट्री वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए बी ए बी वाले किसी भी जो है वो स्पेशलाइजेशन में आपने ग्रेजुएशन करी हुई आप बिल्कुल एलिजिबल है लेकिन यहाँ पे सिर्फ उन्होंने बी ए बी कॉम जो है वो मेंशन करा है बाकी कंप्यूटर नॉलेज साथ में होनी चाहिए डिप्लोमा अप्रेंटिस की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर साइंस में पेंट टेक्नोलॉजी में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर एट पर मंथ आपको स्टाइपेंट मिल जाएगा आई अप्रेंटिसशिप की बात करें दोस्तों यहाँ पे पंप ऑपरेटर फिटर इलेक्ट्रीशियन लेबोरेटरी असिस्टेंट वेल्डर ऑफिस असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पे वेकेंसीज है सेवन थाउजेंट आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा टेन प्लस टू के लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट है जिसमें कि अगर आपने टेन प्लस टू कर रखी है साथ में कंप्यूटर नॉलेज हो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं सेवन थाउजेंट यहाँ भी आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा उसके अलावा दोस्तों बात करें आगे तो एप्लीकेशन अभी आपको कैसे जो है वो भेजनी है तो ईमेल करके आपको एप्लीकेशन भेजना है कोई भी लंबा चौड़ा जो है आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना लेकिन आपको जो है एम एच आर डी एन ए टी एस का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ का इनरोलमेंट नंबर एक आई डी होती है वो आपके पास होनी चाहिए क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में वो मैंशन होगी तो चलिए फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले कि अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पे दोस्तों एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगा बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पे जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करिए उसको फिल करिए साथ में आपके जितने भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है उनकी जो है उनको अटैच करिए फोटो और उनको जो है स्कैन कॉपी सिंगल पी में आपको भेजनी है इस ई मेल ये यह ई जो है वो दे रखा है और ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास ऑलरेडी हम लोग जो है वो तीन चार पाँच दिन लेट हैं शायद तो आपको अप्लाई करने के लिए सात आठ दिन का ही टाइम है आपके पास आप ज़रूर आवेदन कीजिए लोकेशन आपकी महाराष्ट्र में रहेगी बाकी आप देख लीजिए अगर आप करना चाहते हैं बाकी महाराष्ट्र के लोग तो इसके लिए ज़रूर आवेदन कीजिएगा उसके अलावा दोस्तों जो है अगर बात करें और सिलेक्शन प्रोसीजर की तो किसी भी तरह का इंटरव्यू आपका नहीं लिया जाएगा शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा कैंडिडेट को उनके मार्क्स देख के कितने मार्क्स उन्होंने जो है वो ऑप्टेन करे हैं परसेंटेज देखी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मेरिट लिस्ट निकाल के जो है सिलेक्शन होगा और उनको ही जो है वो अप्रेंटिसशिप के लिए रख लिया जाएगा उसके अलावा दोस्तों 2017, 18, 19 बैच वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं बाकी 2017 से पहले जिन लोगों ने जो है वो पास करी है कोई भी क्वालिफिकेशन जैसे 2016 में 2015 में वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है बिना वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं बारह मंथ का ये तरह से ट्रेनिंग पीरियड रहता है जिसके दौरान आपको स्टाइफेंट भी जो है वो दिया जाता है बाकी टी में अगर आपको काम करने का मौका मिलता है तो वो जो है वो स्टाइफेंट से बहुत ऊपर वाली बात है उसके अलावा दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको फिल करके साथ में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपीज लगा के जो है वो भेजना है तो कुछ भी इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा तो ये सारी जानकारी दोस्तों दी गई है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले आपको क्या करना है नोटिफिकेशन को रीड करना है उसके बाद आपके पास जो है एम एच डी आर एन ए टी एस का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ की आई डी होनी चाहिए अगर आपने जो है पहले से बना रखी है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो आपको इनरोल करना पड़ेगा लेकिन उसमें हो सकता है जब तक आपको आपकी आईडी मिले तब तक टाइम हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके आवेदन कर दीजिए महाराष्ट्र स्टेट में जॉब लोकेशन जो है वो रहेगी नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी की तरफ से अप्रेंटिसशिप की ये रिक्वीटमेंट थी तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी समझ आई होगी अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ और पूछना चाहते हैं या और जॉब अपडेट चाहते हैं आप तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी जो है वो आप विजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लिख सकते हैं तो मिलेंगे दोस्तों ऐसी किसी नई जॉब अपडेट के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिए